नमस्कार, आप देख रहे हैं मिचुआ न्यूज और आपके साथ मैं हूं किरण और बात करेंगे मिशन 2024 की। जी हां, मिशन 2024 जिसकी तैयारियों को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। और आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 को लेकर के लगातार पार्टी नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मुलाकात हो रही है और इसी कड़ी में जेपी नड्डा पंचकुला पहुंचे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका जोरदार स्वागत किया है। जेपी नड्डा ने पंचकुला में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा की। तो वहीं बीजेपी की ओर से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान तो चलाया ही जा रहा है, इन सब के साथ टिफिन बैठक का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसके तहत बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए खाना भी खा रहे हैं। तो मिशन 2024 हरियाणा में चुनावी शंखनाद के लिए अमित शाह भी जो है वो सिरसा दौरे पर रहेंगे और 18 जून को उनका सिरसा का ये दौरा रहेगा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहाली में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात की है। सिसवा फार्म हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। मिशन 2024 को देखते हुए मोहाली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और वहीं मंगलवार को गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई है। तो हरियाणा बीजेपी प्रदेश ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए हैं। बैठक में हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लव देव, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, हरियाणा बीजेपी के सभी सांसद और हरियाणा कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए हैं। और वहीं बैठक में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हरियाणा बीजेपी की ओर से प्रदेश में चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान को लेकर के चर्चा की गई है और इन सब के साथ लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली रैलियों को लेकर के भी बातचीत की गई। सभा में तो हमारे जो 30 से 30 तारीख की सांगठनिक जो कार्यक्रम है, विशेष करके लोकसभा को लेके ही कार्यक्रम पूरे देश भर में, इसी को लेके लंबा चर्चा ही, डेवलपमेंट से लेकर सांगठनिक और उसको समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे पार्टी के जनाधार बढ़ाया जा सकता है, जनता के साथ संपर्क और किस तरीके से हुआ जा सकता है। एमपीस के साथ मुख्यमंत्री जी की बैठक होना जरूरी है कि डेवलपमेंट में इसमें कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ जोड़ना है, वो सब मिलके एक एक एमपी से अलग अलग तरीके से वार्तालाप करके। देखिए, आप जैसे जानते हैं 30 मई से लेके 30 जून तक जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चलता है, हर लोकसभा क्षेत्र में रैली होनी है, लाभार्थियों के सम्मेलन होने हैं, व्यापारियों बुद्धिजीवियों की सम्मेलन होने हैं, 1000 नए परिवारों के साथ मिलना है। तो ये तमाम काम जो एक महीने तक लगातार ये चलना है, उस बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और रैलियां का स्थान, समय, डेट सब तय हुए हैं। तो इस सब को लेके, महासंपर्क अभियान को लेके आज सब सांसदों के साथ चर्चा हुई। 13 सूत्रीय एक हमारा जो है एक महीने का, ये आप देखिए 31 मई से लेकर और 30 जून तक जो सभी 13 सूत्रीय जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको लेकर हमारा संगठन जो महाजनसंपर्क अभियान चला रहा है, तो उसके तहत जो जो कार्यक्रम जिस लोकसभा में हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से सभी सांसदों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रभारी जी ने और संगठन मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की। और इसके साथ साथ जो अभी आने वाली रैली जो है, जैसे कि आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी हैं, आप लोगों को मालूम होगी कि 18 तारीख को जो है वो सिरसा के अंदर उनकी रैली होने वाली है, तो उस जनसभा के बारे में भी जो है वो मुझसे पर्टिकुलरली चर्चा की गई और बाकी सभी को भी इसके बारे में जो है उनको ताकीद की गई कि सबके सब जो है वो भारी संख्या में वहां पर जो है कार्यकर्ताओं के साथ उधर पहुंचे।
तो आज टिफिन बैठक हुई है। जी हाँ, खाना खाते खाते इन तमाम विषयों पर चर्चा भी की गई है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तीन मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ, मंदीप बिश्नोई साहब हैं, प्रवक्ता है जेजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रोफेसर विधु रावल जी हैं जो प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सबके साथ केवल ढींगरा साहब है कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही MH1 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विधु रावल साहब, आप ही के पास हम आएंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि महाजन संपर्क अभियान एक चलाया जा रहा है। इससे पहले अगर हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देख रहे तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर के, हलकों में जाकर के जो है जनता से सीधा संपर्क साध रहे हैं और उनकी समस्याएं तुरंत तुरंत निपटारा भी कर रहे हैं। तो हम क्या ये मान करके चले कि 2024 को लेकर के विधानसभा के साथ साथ अगर हम बात केंद्र के में भी कर ले, लोकसभा चुनाव की भी अगर हम कर ले, तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है बीजेपी के लिए, हरियाणा की सरकार के लिए दोबारा से तीसरी बार काबिज होना, क्योंकि कर्नाटक की स्थिति, हिमाचल की स्थिति जो है उससे सब कोई वाकिफ है और इसलिए इतनी ज़्यादा कोशिशें तमाम बड़े नेता जो है वो पहुँच रहे हैं हरियाणा में। किरण जी, भारतीय जनता पार्टी 12 मासी पार्टी है जी, ये कोई सीजनल दल नहीं है कि कांग्रेस को अचानक से याद आया कि अगले साल चुनाव है तो हम उठकर कुछ ना कुछ करने लगते हैं, या इंडियन नेशनल लोकदल को याद आया वो एक यात्रा निकालना शुरू कर। भारतीय जनता पार्टी सतत चलने वाली पार्टी है। पिछले हमने एक अभियान चलाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, जिस प्रकार से पन्ना प्रमुख का अभियान था पिछले महीने पूरे देखा, उससे पिछले महीने हमने दुनिया के अंदर बहुत एक नायाब रिकॉर्ड बनाया। जब हमारा स्थापना दिवस था 6 अप्रैल को, हमने उस समय केवल हरियाणा में 5 लाख जो है घरों पर हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए, हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सतत चलने वाला कार्यक्रम है, एक सतत चलने वाला मिशन है, एक सतत चलने वाला विचार है। ये सत्ता के लिए काम करने वाला केवल नहीं है, सत्ताएं आएंगी, सत्ता एक साधन है जन कल्याण का, राष्ट्र विकास का, राष्ट्र उत्थान का एक साधन है, लेकिन सत्ता ही केवल एकमात्र जो है माध्यम नहीं है। सत्ता के साथ साथ अपने कार्यक्रम चलाना आसान होता है, सरकार में रहते हुए जन कल्याण करने का एक अभियोजन बन जाता है और उसी तहत जनता हमें स्नेह प्रेम और आशीर्वाद निरंतर दे रही है। आपको हिमाचल प्रदेश याद रहा, कर्नाटक याद रहा, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक के बीच में एक प्रदेश गुजरात आता है जहाँ 1995 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस को बार बार परस्त करती है और इस बार तो परस्त करने का भी रिकॉर्ड बना दिया। विधु रावल साहब, आप लोग भी फोकस ज्यादा करते हैं जहां पर हार हुई है, जहां पर थोड़ी मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, तो हम सवाल भी तो उन्हीं पे ही ज्यादा करेंगे ना। जहां जीत हुई है वहां सवाल करके क्या फायदा। हम तो सुधारात्मक, हमें हमारा तो सोच सकते हो, हम तो सुधारात्मक करें, लेकिन आप पिक्चर ऐसा पेंट करें जो ग्लूमी हो। आप ये क्यों नहीं याद करते कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने रिकॉर्ड बनाया, 1984 के बाद किसी पार्टी को दोबारा जो है लगातार बहुमत नहीं मिला, हमने वहां पर जाकर किया। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि जो सत्तासीन दल है उसमें वो, हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई गैर कांग्रेसी पार्टी जो है वो दोबारा से सत्तासीन पार्टी गई और जाकर अपना वोट प्रतिशत 3.5% बढ़ाई 2019 में भाजपा। हम हमारी अच्छी उपलब्धियों, हम तो इसलिए हो सकता है आप कह रहे हैं फोकस करते हैं, हमें तो सुधार करना है, आपने थोड़ी सुधार करना है, आपने तो जनता के सामने सही सर, हमें लेकिन जनता के सामने ये तो रख रहा है कि सुधार करने की जरूरत क्या है और किस वजह से क्या इतनी मेहनत जो है कड़ी धूप में जो है मुख्यमंत्री भी निकल रहे हैं, तमाम प्रवक्ता भी निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं जनता के सामने, हम भी तो रखेंगे। अच्छा चलो, ये आप बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका जी। पहली बात तो ये कि हमारे मुख्यमंत्री के लिए कड़ी धूप जो है कोई बड़ा विषय नहीं है, चांदी के चम्मच से साथ नहीं पैदा हुए थे, वर्षों वर्ष तक प्रचारक जीवन में रहे हैं, ऐसी अनेक रातें ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है संगठन के काम को आगे बढ़ाते हुए निकाली होंगी, जिसमें उन्होंने रात को भोजन नहीं किया होगा, और भोजन इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि दोपहर को भारी भरकम कर लिया होगा, इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि उनको हो सकता है उस समय भोजन उपलब्ध ही ना हो, ऐसी भी रातें निकाली हुई है। ये कोई चांदी के चम्मच, राहुल गांधी की तरह चांदी के चम्मच में सारी के सारा जीवन निकालते हैं वो वाला नहीं है काम। लेकिन मेरा आपसे इतना कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सेहत की इतनी चिंता कर रही है तो कम से कम हतोत्साहना बनाइए। कर्नाटक के अंदर भी बहुत
हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, सम्मानजनक स्थिति में हम लेकर आए हैं। अगली बार निश्चित तौर पर हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की जो मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से, उस मुलाकात को और आज जो ये बैठक हुई है, टिफिन बैठक, खाना खाते हुए तमाम चर्चाएं की गई जिसकी बातें हमने अभी दर्शकों को सुनाई भी है, कितनी अहम है विधु रावल जी, ये भी जानेंगे, उसके बाद हम बाकी प्रवक्ताओं की तरफ रुख करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी का अभियान चलता है तो पूरी पार्टी उस अभियान में चलती है जी। ये कोई राहुल गांधी वाली पार्टी नहीं है कि अभियान कहीं चल रहा है और राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया आंध्र प्रदेश से, उसको कांग्रेचुलेशन भी दिया, ऐसा नहीं है हमारा। लग रहा है राहुल गांधी जी आप लोगों के जहन में बहुत रहते हैं। किरण जी ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, हर कमेंट में आप नहीं हर कमेंट पे नहीं सर, राहुल गांधी जी का इतना नाम आप ले रहे हैं अपने काम की जगह पे, उतना तो आपने नड्डा जी का भी नाम नहीं लिया होगा। अरे भाई बात सुनिए ना, आप ये तय नहीं करेंगे मैं किसका नाम लूंगा, पहली बात, आप प्लीज भगवान के लिए जो है डिबेट को हल्का मत कीजिए, मुझे मेरी बात करने दीजिए, मुझे सर ये कार्यक्रम मेरा है, ये डिबेट मेरा है और मैं इसे हल्का बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं बिल्कुल सर, आप इस तरह से नहीं बोल सकते, आप इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है, मेरा राइट्स है, और मेरे राइट्स को आप नहीं ये कर सकते, ठीक है। राहुल गांधी जी का बार बार नाम ले रहे हैं, तो आप नड्डा जी का भी नाम नहीं ले रहे, ये सवाल करना गलत नहीं है कि क्या आपके जहन में वही है। चलिए ठीक है रावल जी, मैं आपसे बहस करके मैं टाइम को नहीं यहाँ पर खत्म करूंगी, केवल डिंगरा साहब आपके पास हम यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पर विधु रावल जी को भी, ठीक है सर, ठीक है हमने बात सुन ली, ठीक है विधु रावल जी हमने बात सुन ली आपकी। किरण जी आप लगातार रनिंग कमेंट्री चला रही थी, हर वाक्य के बाद आप अपना एक सर क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है, मैं यहाँ पर बैठी इसलिए हूँ ताकि मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकूँ, मैं सिर्फ आपकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ सर। विधु रावल जी आप यहाँ पर बैठ करके सब अपनी बातें रखेंगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं सुनेंगे, ये नहीं हो सकता, ये सभी के साथ हो रहा है। प्लीज सर टाइम नहीं है बर्बाद करेंगे सर, हम टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं सर, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है और आपको सुनना होगा, ठीक है, सिंपल, अपनी बात आप खत्म करना चाहते तो खत्म करिए जल्दी से, मैं ढिंगरा साहब के पास जाऊंगी। थैंक यू सो मच। तो कैप्टन अमरिंदर जी की बात की तो जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक इस संगठन के अनुशासित सिपाही, जिस जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर जिस प्रकार पिछले साल कैप्टन अमरिंदर जी शामिल हुए हैं और उसके बाद आयु वृद्ध नेता है, बहुत जो है अनुभवी नेता है, उनसे भी उस तहत जो है मिला, उनका एक संपर्क हुआ, और किस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति में और एक हमारा बॉर्डरिंग स्टेट जो पंजाब है उसके अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का विचार किस प्रकार से इस देश के लिए और उस प्रदेश के लिए बेहतर कर सकता है, इसको लेकर चर्चाएं हुई वहां। ठीक है ढिंगरा साहब, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जैसे विधु रावल जी ने भी कहा कि सतत चलने वाला ये कार्यक्रम है जो बीजेपी कभी बैठती नहीं है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कांग्रेस या दूसरी पार्टियां नहीं है जिनको याद आता है कि चुनाव आ रहा है और अब हमें निकल करके जो है चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने कर्नाटक की जीत देखी, हिमाचल की जीत देखी और उसके बाद अब सीधे तौर पर कहे तो एक बड़ा बदलाव कांग्रेस के अंदर में नजर आया है, हरियाणा में भी ये बड़ा बदलाव होगा और संगठन बनेगा। जी बिल्कुल, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखें जो नड्डा साहब जो मिलने आए हैं खट्टर साहब से जी। आपको बताऊंगा मैं ये कि इनके जहां भी इनके या पाव पड़ते हैं ना, जहां जहां इनके वही होता है बंटाधार। आप देखिए इस ये खट्टर साहब ने 9 साल के बाद एक जन जो अभियान शुरू किया, महाजन संपर्क अभियान, इसके अंदर जिस भी उस इलाके में इनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि 9 साल अगर कोई काम किया होता तो इस तरह का हाल नहीं होता। आप ये देखिए, एक तरफ है मोदी जी वो जो अपने मन की बात करते हैं और एक तरफ खट्टर साहब हैं जो 9 साल से लगातार हरियाणा लुटता हुआ देख रहे थे। आप ये देखिए कि 3 बार हरियाणा टीम में खट्टर साहब के जला और 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए, छाती और माथे पे गोलियां, साहब को क्या फर्क पड़ा, मरे तो लोग हरियाणा के, कोई फर्क नहीं पड़ा इनको। और उसके बाद किसानों ने
एक साल तक जो है सर, किसानों का प्रदर्शन सर पीछे हो गया है, सर पुराना हो गया है सर। अभी जो किसान आंदोलन हो रहा था उस पर सरकार ने सहमति जता दी ना सर, वो प्रदर्शन खत्म हुआ। 9 साल के अंदर ही ये सारे कांड हुए। आप इस बात को आकलन के लिए कीजिए, क्योंकि 47 सीटें आई थी इनकी 2014 के अंदर, वो कम हो गए। इनको पूरा मैंडेट भी नहीं दिया लोगों ने, इनकी आई 40 सीटें, मैंडेट था 46 पे। तो इनको जब सरकार ही नहीं दी, इन्होंने उन लोगों को गोदी में बिठाया जिन लोगों ने 10 सीटें ली थी इनको यमुना पार पहुंचाने के लिए, और वो लोग इनकी गोदी में बैठे और इन्होंने सरकार बना ली। आप समझे इस बात को, हरियाणा की जनता सब समझती है। अब 9 साल के अंदर जब ये इलाके में जाते हैं तो हालात क्या है वहां पे, इनको लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। जब खट्टर साहब को गुस्से का सामना करना पड़ता है तो ये क्या करते हैं, इसको उठा के बाहर फेंको, लेडी को, दूसरे बंदे को उठा के बाहर फेंको, ये आम आदमी पार्टी से आया है, दूसरी जगह से आया है, गुस्से में क्या क्या कर रहे हैं, वही गुस्सा अब विदुर रावल को यहाँ पे आप पे आ रहा है। ये गुस्से के ही अब शिकार इसलिए हो रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि सत्ता भी इनके हाथ से फिसल रही है। आप देखिए, मोदी जी ने जुमला दिया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इन्होंने जुमला दिया था 40 लाख रोजगार देंगे, दे नहीं पाए रोजगार 2 लाख भी। आज जो है 1,82,000 रोजगार जो है वो खाली पड़े हैं। तो ढींगरा साहब, हम ये मान के चले कि जो बीजेपी जो सरकार की कमी रही है उसके आधार पर कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में उतरेगी, उनका खुद का कुछ अपना एजेंडा कुछ हमने नहीं सुनिए, हम तो अपने आधार पे लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम जब 2005 में सत्ता में आए थे तो स्टेट का बजट था 2300 करोड़, जिस समय हम गए तब था 38,000 करोड़। तो हमने तो बजट को इंक्रीज करने का काम किया था, वो थी 14 गुना इंक्रीज, और इनके टाइम पे इंक्रीज जो है 38 से बढ़ के 3-4 गुना हुई। चलो ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं। लेकिन हरियाणा का हाल क्या हुआ, हरियाणा की इस समय जो जॉब्स हैं 1,82,000 पद खाली पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा की जो हालात हैं, बेरोजगारी में नंबर, क्राइम में नंबर वन। आज का ही हाल देखिए, जो पहले तो एक डीएसपी को डंपर के साथ कुचला गया, उसके बाद दूसरा माइनिंग अभियान में फिर द्वारा सारी जितनी पुलिस फोर्स थी उनके ऊपर हमला हुआ, आज फिर एक माइनिंग ऑफिसर का हाथ काट दिया गया। ठीक है, हाथ काटने के बाद उनके जो 7 लोग थे। ठीक है, चलिए इन डाटा पे हम रावल साहब से जवाब लेंगे। ठीक है ढिंगरा साहब, लेकिन सवाल एक आपसे भी यही होगा कि हरियाणा में संगठन क्यों नहीं बन रहा है, और अभी भी जो वहां पर इनफाइट नजर आ रहा है उससे किस तरह से कांग्रेस जो है 2-4 होगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीधे यहाँ पर मनदीप बिश्नोई जी का रुख कर लेते हैं। मनदीप जी, जिस तरह से लगातार आपने विधु रावल जी को भी सुना है, केवल ढिंगरा साहब को भी सुना, मेरा सवाल आपसे सीधा यही है कि गठबंधन में जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, निर्दलियों से मुलाकात यहां पर जो है विप्लव देव कर रहे हैं, इन सब के बीच में जेजेपी के तरफ से रूपरेखा मिशन 2024 को लेकर के किस तरह तैयार की जा रही है, खासतौर से विधानसभा चुनाव को लेकर के। किरण जी, बिल्कुल सही बात कि लोकतंत्र जनतंत्र के अंदर वही सक्सेस होता है जो जनता के बीच में रह करके सकारात्मक तौर पर अपनी राजनीति करता है, अपनी बात जनता तक पहुंचाता है, जनता से निरंतर संवाद रखता है। जी, दुष्यंत चौटाला जी, जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और बड़े चौटाला साहब जेल चले गए थे 2013 से सक्रिय राजनीति में आए थे, 14 में वो सांसद बने, तब से लेकर के आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन ये युवा नेता घर पर बैठा हो। लगातार ये जनता के बीच में रहता है, जनता से संवाद करता है, जनता से कन्वर्सेशन डायलॉग डिलीवरी करता है, और यही कारण है कि आज वो आम जन के बिल्कुल पहुंच में है। हर व्यक्ति प्रदेश का उनसे संपर्क करके उनसे अपनी बात कह सकता है, ये उनकी विशेषता है। लोकतंत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार सांकेतिक जो रूपरेखा है वो भी बनाई जाती है। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, मैना सिंह जी चौटाला महिलाओं को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रही है। इनसे जो हमारा छात्र संगठन है उसको लेकर के दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार उनकी मीटिंग ले रहे हैं। एक भी तो मंदीप जी, सरकार में आप जिनके साथ हैं उनके साथ किस तरह से आगे चल रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी चल रही है सर, हर चुनाव से पहले ये बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। किरण जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि गठबंधन पोस्ट पोल अलायंस था,
और पोस्टपोन अलायंस के अंदर सरकार को लेकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों संगठनों के सिक्स नेतृत्व ने आपस में बैठ करके सरकार चलाने का फैसला किया प्रदेश हित के अंदर, क्योंकि जो मैंडेट आया था उससे केवल और केवल स्थापित दी जा सकती थी जब भारतीय जनता पार्टी के 40 और जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों को 50 मिला करके स्पष्ट बहुमत की एक सरकार स्थायी सरकार दी जा सकती थी। और पिछले 3.5 साल से सरकार के अंदर किसी प्रकार की कोई भी डिफ्रेंसेस आज तक किसी ने ना तो नजर आई है ना कोई बात। संगठन वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जेजेपी की विधायक दल की बैठक थी, उसके अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के तो मंदीप जी आप ये कह रहे हैं कि कोई टकराव नहीं है, पार्टी अपनी ले ली गई। मंदीप जी ये कह रहे हैं कि कोई टकराव नहीं है। नहीं देखिए, सरकार के अंदर किसी प्रकार का कोई आज तक कोई डिफरेंस ना तो पैदा हुआ ना, क्योंकि सरकार के दोनों दलों के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी दोनों दलों के सरकार के विधायक दल के मुखिया हैं। दोनों की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि गठबंधन सरकार लगातार बहुत अच्छे से चल रही है। तो निर्दलियों के साथ जो मुलाकात हो रही थी, उसमें कई निर्दलियों की तरफ से ये बात आई है कि अगर जेजेपी साथ ना भी हो तो भी सरकार नहीं गिरेगी, इसका अर्थ क्या निकालती है जेजेपी? देखिए, निर्दलीय जो बोल रहे हैं उनके तो वही अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बात कही है। मैं तो इतनी सर आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं, जेजेपी क्या अर्थ निकाल रही है इसका? जेजेपी को ना तो उन बातों का अर्थ निकालने की जरूरत है, क्योंकि जो निरर्थक बात है उन पर अपनी एनर्जी जननायक जनता पार्टी के ना नेता अपनी ऊर्जा तो, जाया करते हैं ना उसका कार्यकर्ता जाया करता है। तो उचाना से चुनाव कौन लड़ेंगे? जनता पार्टी उचाना से चुनाव कौन लड़ेगा? उचाना से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी वहाँ के प्रतिनिधि है और वही चुनाव लड़ेंगे, वही लड़ेंगे। चलिए एक और बात कहता हूँ कि कांग्रेस के लगातार साथी कहते हैं कि पिछहत्तर पार का वो जमुना पार की बात कहने वाले सरकार में शामिल हो गए। अरे भाइयों, जिस तरह का मैंडेट दिया उसको लेकर के हम आए, आप लोगों का तो अब तक संगठन नहीं बना। जो पार्टी सांगठनिक विश्वसनीयता जनता के अंदर और संगठन में नहीं दे पाई वो किस प्रकार से आगे, आज ये केवल ढींगरा जी बैठे हैं, इनसे ये पूछिए कि ये किस कांग्रेस के हैं, हुड्डा कांग्रेस के हैं, शैलजा कांग्रेस के हैं, किरण कांग्रेस के हैं या रणदीप कांग्रेस के हैं, किस कांग्रेस के? केवल ढींगरा साहब से इसका जवाब है। ठीक है, संगठन है ना कोई, ठीक है सर, और बिना संगठन बिना सेना के कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाता। ठीक है सर, ढींगरा साहब इसका जवाब दीजिएगा। विदुर रावल साहब, जब ढींगरा साहब से सवाल हो रहा था वो जवाब दे रहे थे तो आप बहुत हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्या वजह थी उसके पीछे और आप क्या कहना चाहेंगे जो ढींगरा साहब तमाम बातें कह रहे थे? देखिए, मैं वही कह रहा था कि जेजेपी और बीजेपी किससे पूछा मैम आपने सवाल? जी आप ही से, रावल साहब। अच्छा, रावल साहब, विदुर रावल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं हंस इसलिए रहा था, किरण जी, क्योंकि केवल ढींगरा जी को 2019 तो याद है जहां पर दो दलों ने जो मूल रूप से एक साथ बार बार जो है समझौता करते रहे अलग अलग फॉर्म में, चाहे चौधरी देवीलाल जी की बात करें 1970 में, चाहे 1987 की बात हो, चाहे 1998-99 की बात हो, जब हमारा इन्हीं इसी परिवार के साथ, इसी संगठन के साथ, इन्हीं लोगों के साथ, इसी विचार के साथ बारंबार होता रहा। लेकिन 2009 भूल गए, इन्हें 40 सीटें भाजपा की तो याद है, जो कि 46 जो हमारी 2014 में आई थी, 2019 में आकर हमारी 40 रह गई। हालांकि हमारा वोट प्रतिशत पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता में रहते किसी एक दल का वोट प्रतिशत कभी बढ़ा हो, हरियाणा में कभी नहीं हुआ था, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीटों का कुछ घालमेल इस प्रकार का वो रह गए। लेकिन ये तो 2005 में 67 सीट्स लेकर आए थे, वहां से घटकर 40 पे पहुंच गए, अपना इतिहास भूल गए, फिर कहते हैं कि इन्होंने उससे गठबंधन कर लिया। अरे हमने तो दो लाइक माइंडेड पार्टीज का गठबंधन कर लिया, आपने तो एक पार्टी तो बनी इसलिए थी क्योंकि 67 सीटें लाने के बाद चौधरी भजनलाल जी के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस ने और सोनिया गांधी ने धोखा किया था, उससे हताहत होकर उन्होंने जनहित कांग्रेस बनाई थी, उनका तो अस्तित्व ही कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा हुआ था। जननायक जनता पार्टी जब 19 में भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस के समर्थन में नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस के बारे में भी बुरी बुरी बातें करती थी, लेकिन जनहित कांग्रेस का तो अस्तित्व ही इस बात पर था कि भजनलाल के साथ धोखा हुआ था। और उनकी पार्टी के साथ आपने गठबंधन नहीं किया, इतनी भी कच्ची नहीं थी, उनकी पार्टी तोड़ दी, उनकी पार्टी तोड़ दी। और इसको मैं नहीं, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किरण जी बात बताने दीजिए ना प्लीज, थोड़ा सा जल्दी सर क्योंकि वक्त की कमी है, ढींगरा साहब से भी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाद में जाकर 2014 में उस सरकार को नाजायज बोला, यानी इन्होंने 5 साल नाजायज सरकार चलाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है। दूसरा जल्दी से बता दूं मैं, जब ये बात कहते हैं कि किस प्रकार से
इनको आपने पूछा कि आपके पास अपना बताने लायक क्या है, तो मैं बता देता हूँ, जनता डरती है कहीं गलती से भी कोई भूल हो गई, गलती से भी ये हुड्डा वाले वापस आ गए तो वापिस से गरीब को हरियाणा में जो नौकरी का अधिकार मिला है ना भाजपा के आने के बाद, वो वापिस से छुन जाएगा, फिर इनके हुक्के भरने पड़ेंगे, फिर इनके पीछे गाड़ियां तोड़नी पड़ेगी गरीब को, तब नौकरी मिलेगी, योग्यता पात्रता को डस्टबिन में फेंक देती है, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे देती है भाजपा, ये क्या करते थे इनका पूरा का पूरा। हरियाणा बेरोजगारी में सबसे सर आगे है, कौन कहता है ये, कहता कौन है ये सर? सीएमआई की रिपोर्ट है, सीएमआई इज अ जोक, सीएमआई के एमडी जो है उनका नाम है महेश व्यास, वो कांग्रेस की 2019 की मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखते थे, उनका खुद का खाता ना, खुद का खाता खुद की भाई किस प्रकार से उसी के आंकड़ों को प्रचारित करते हैं ये। लेकिन मैं फिर भी किरण जी आपको आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आपने मुझे भी हतोत्साहित करने का प्रयास किया हिमाचल और कर्नाटक की बात रखकर, और केवल ढिंगड़ा जी का हौसला बढ़ाने की बात की, उनको भी हिमाचल और कर्नाटक ही बताया, उनको गुजरात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं याद करवाया, मणिपुर मिजोरम नहीं याद करवाया, मेघालय नहीं याद करवाया, उनको भी आपने वही दो राज्य बताए। लेकिन हो सकता है खैर, जैसे आप मुझे राहुल गांधी का आरोप लगा रही थी पर, केवल हिमाचल और विदु रावल साहब, सीएमआई की रिपोर्ट गलत, मीडिया गलत, एंकर्स गलत, सवाल पूछने वाले गलत, तो नहीं नहीं सर एक मिनट सर, तो आपके आपके हिसाब से क्या सवाल होना चाहिए वही आप हमें बता दीजिए, हम लिख करके आपसे पूछ लेंगे। नहीं आप बता दीजिए सर, अब से क्या होगा, आपको जब भी आपके यहाँ से मीडिया कोऑर्डिनेटर की तरफ से आपको रखा जाएगा, आप बता दीजिएगा कि एंकर से कहिएगा ये सवाल पूछना है, हम आपसे वो सवाल पूछेंगे। सर सवाल सिंपल सा सीधा सा उठ रहा है, कर्नाटक का चुनाव अभी हुआ जहां उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कांग्रेस जीतेगी, वो तो उठना ही लाजमी है ना। मैं बता देता हूं अभी जनता के सामने, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है सवाल का जवाब दीजिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने हतोत्साहित करने की कोशिश की। मेरा काम आपको हतोत्साहित या किसी पार्टी को हतोत्साहित करना नहीं है, मेरा काम सवाल पूछना है, जनता के सामने रखना है, बस। हर बार सर आप लोगों की तरफ से यही चीजें रहती हैं। खैर रावल साहब ये बताइए कि गठबंधन में आगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सर नैरेटिव कोई सेट नहीं करता है, नैरेटिव कोई सेट नहीं करता है। अगर कर्नाटक की बात हुई तो इतनी चुप क्यों गई है आपको? अगर कर्नाटक में हार हुई तो चुभी क्यों आपने? जब ये कहा कि परिश्रम कार्यकर्ताओं ने किया, सबने किया, फिर चुप क्यों रही है? बातें कहिए सीधे कि हाँ वहाँ कमी रह गई, आगे हम अच्छा करेंगे। आपने गुजरात का नाम लिया, गुजरात में किसी ने आपसे कहा कि आपने गुजरात का नाम क्यों लिया? आपने जहाँ जीत दर्ज नहीं, सर ये हर बार ऐसे होता है, आप बातों को गोल गोल घुमाते हैं और उसके बाद ये क्या समय नहीं बचता है जिसमें आप सवालों का जवाब दे सके? आप तो लड़ने लग गई, बौखला गई आप तो, ना। नहीं विधु रावल साहब ये हर बार होता है, बताइए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस बार? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समय आने पर तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि हमने 5 साल के लिए गठबंधन किया, सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, पूरा कार्यकाल करेगी, जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर। विधु रावल साहब जो सूत्रों के बारे में जो खबर मिल रही है कि अमित शाह जब आएंगे तो उस वक्त में गठबंधन, सर जवाब दीजिए सर, गठबंधन हाँ या ना आप जवाब दीजिए सर, नहीं पता है ये भी कहिए कि नहीं पता है, बस बात। अमित शाह आएंगे तो गठबंधन पर वो बातचीत करेंगे, जो जानकारी ऐसे मिल रही है। देखिए बात सुनिए, मेरे पास इस प्रकार की वाक्य में आपने यहाँ पर आप ठीक, मेरे पास इस प्रकार की वाक्य में कोई जानकारी नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहता हूँ कि ऐसी कोई बात कोई हमारे संज्ञान में नहीं आई है, तो सूत्र इस प्रकार कह रही है, आपके सूत्र हैं, हो सकता है बड़े विश्वस्त हो सकते हैं मजबूत हो, लेकिन मैं फिर से बात कहूंगा, हाँ आपका कहना इतना ठीक है, हिमाचल में जिस प्रकार से प्रस्त हुए उससे जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में टीस है, बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छी कर्नाटक की जनता के लिए सरकार चलाई थी, इसके बावजूद भी जनता का आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाया, इस बात की टीस है, ये बात चुभती है, इस बात को भी स्वीकारने में कोई ठीक है। सर वाइंड अप का समय, ढिंगरा साहब बहुत कम वक्त में आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि मनदीप जी ने सीधे तौर पर कहा किस कांग्रेस से आते हैं आप, क्योंकि इतना इनफाइट है, इतने गुट बने हुए हैं, क्योंकि अभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से रैली होने भी जा रही है उसमें सिर्फ उन्हीं के गुट के लोग मौजूद हैं, ना किरण चौधरी के हैं ना रणदीप सिंह सुरजेवाला के हैं। नहीं नहीं किरण जी ऐसे है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी जो है ना ये कुछ का साथ खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात। अरे सुन तो लो मेरी बात पूरी,
सर आप अपनी पार्टी की बात करिए ना, मेरा सवाल आपकी पार्टी के लिए है। देखिए मैं आपको अपनी अपनी पार्टी का बारे में बता देता हूँ। हमारी पार्टी में किसी तरह की कोई आपस में कोई वो नहीं है, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सूट बूट की सरकार है जो इस समय चल रही है, इनकी इनके इनके दिल इनके जो दिन है, सुनिए। अरे भाई बीच में मत बोलो आप, अरे भाई बीच में मत बोलो भाई, अरे भाई एक बीच में मत बोलो, रुको। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप फिर जरा, मैं आपके बीच में बोला क्या, समझिए आप बात। रावल साहब बात खत्म कर लेने दीजिए सर, समय खत्म हो रहा है। ठीक है साहब, जल्दी से बोलिए। और सर आप जो ये कह रहे हैं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, क्या पार्टी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है? वाकई सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में आपको बता रहा हूँ, बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, आप अपने पास लिख दिए, दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी बीजेपी। हमारी सीटें होंगी 75 पार, आपको अभी लिखता हूँ। ये 75 पार कर रहे थे 2019 में, हमारा आंकड़ा लिख दिया 75 पार, और आपको ये बता रहा हूँ, आपको लिख के देता हूँ, वही चीज निकलेगी। और एक चीज और सुन लीजिए, जिस तरीके से ये सूट बूट की सरकार ने जो हरियाणा और देश के अंदर जो हालात अस्त व्यस्त की है, हम उसको ठीक करने का काम करेंगे। हम जो 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का हुआ, उसको दोबारा 500 रुपए करने का काम करेंगे। हम जो है ओपीएस लागू करेंगे, ठीक है। हम अपने सारे वो नियम जो इन्होंने भाजपा सरकार ने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खत्म किए हैं, उसको ठीक करने का काम करेंगे। हम भाजपा की तरफ से अर्थव्यवस्था को या दूसरे सिस्टम को बिगाड़ते नहीं है, हम उसको बनाते हैं। इन व्यवस्थाओं को ठीक करने से पहले कांग्रेस के अंदर की व्यवस्था तो ठीक होनी चाहिए ना। रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में अभी रैली कर रहे हैं और उसमें गाना चल रहा है कि सीएम बनेंगे रणदीप सुरजेवाला। आप लोग सुबह से लेकर ऐसे ही काम करना शुरू कर देते हो बीजेपी वालों, थोड़ी सी प्रवक्ता हो, अपना ध्यान रखा करो, अपनी बारी में बोलो, आपको कौन मना कर रहा है। ठीक है, चलिए समय की कमी है यहाँ पर, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज से जुड़ने के लिए और तमाम बातें यहाँ पर रखने के लिए इस चर्चा में। और इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए MH1 न्यूज के साथ।